जो पर्सन है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, इस पर्सन ने क्या किया, जो गवर्नमेंट है उसके वर्क को, गवर्नमेंट के वर्क को यानी सरकार के काम को ये क्या करती है, चैलेंज करती है। इस पर्सन ने क्या किया है, गवर्नमेंट के काम को चैलेंज किया है। कहाँ चैलेंज किया है, कोर्ट के अंदर। क्यों चैलेंज किया है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं, तो उसको गवर्नमेंट कुछ ऐसे नियम लेके आई है जिनसे वो फंडामेंटल राइट्स उनसे छीने जा रहे थे। चलो, तो अब इसके आगे चलते हैं। तो जब यहाँ पे चैलेंज किया गया है, ये चैलेंज, तो फिर क्या करती है, जो कोर्ट है, कोर्ट अपना क्या करती है, इसको ऑर्डर देती है। कोर्ट ने इनको ऑर्डर दे दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को कि जो पर्सन है इसके फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं छीन सकते, इसको दो। तो ये जो ऑर्डर है, इसी ऑर्डर को हम रीट कहते हैं, और हिंदी में भी इसको रीटी बोला जाता है। तो यही रीट कहलाता है, और यही आपका पिटीशन भी कहलाता है। पिटीशन को हिंदी में बोलते हैं याचिका। अब क्लियर हुआ विक्की, इसको नोट करो। तो क्वेश्चन ढूंढो, व्हाट इज रीट, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जान लिया, अब यहाँ पे देखते हैं और समझो। ये जो है ना नियोग समादेश, नियोग समादेश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये आ जाता है कि आप जानते हो, जैसे एक लो लेवल का कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर उससे हायर लेवल का होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। आपने देखा होगा कि कोर्टों के बहुत सारे लेवल होते हैं, इसी तरीके से सरकारी विभागों में भी बहुत सारे विभाग होते हैं। अब क्या है, समझो, यहाँ पे अगर मान लो कोई ऐसी सरकारी संस्था है जो क्या कर रही है, वो कार्य ना करे, अगर मान लो कोई कार्य ही नहीं कर रही है, अपने काम को सही से नहीं कर रही है, तो उस ऑफिस की उस सरकारी विभाग की शिकायत जो है कोर्ट में की जा सकती है। बात समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे कोर्ट जो है ऑर्डर देगा, उस पूरे विभाग को ऑर्डर देगा। मान लो आपके एरिए का कोई एक संस्था है, सरकारी विभाग है, वो काम नहीं कर रही है, तो उसके खिलाफ भी कोर्ट जाया जा सकता है। तो वहां से कोर्ट ऑर्डर देता है निचली संस्था को कि भैया आपको कार्य जो है, जो आपकी जिम्मेदारी है, उसे आपको करना पड़ेगा। ये हो गया पॉइंट। ये जो है निषेधाज्ञा, इसका मतलब प्रोहिबिशन होता है, मना करना। अब मान लो पहले वाले में क्या था, पहले वाले में था कि जब कोई निचली संस्था या निचली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम ना करे, मतलब कार्य ना करे, तो उसको रोका जाता है कि भैया आप काम करो। लेकिन दूसरे में क्या है कि काम करने की जगह वो उन कामों को भी करती है जिसके लिए उनके पास पावर नहीं है। जब उनके पास पावर नहीं है और उसके बाद भी वो संस्थाएं, अब मतलब जितना उनका लिमिट है, और उस लिमिट से अगर आगे कार्य करने लग जाए, तो फिर उसको रोका जाता है कि ये आपके अधिकार में नहीं है, ये आपकी लिमिटेशन में नहीं है। बात समझ रहे हो? आपने बहुत सारे न्यूज देखे होंगे, सुना होगा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारों को छीन रही है। या फिर आपने ये सुना होगा कि राज्य सरकार जो है कुछ ऐसे फैसले ले रही है जो उनके दायरे में ही नहीं आता है। तो इन सभी चीजों की व्यवस्था संविधान के अंदर की गई है कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे राज्य सरकार काम कर सकती है, और कौन से मुद्दे हैं जिन पे राज्य सरकार के काम को भी केंद्र सरकार ले सकती है। तो कई बार इन लोगों को लेके बड़ी आपस में क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को साइड में रखते हैं, ये समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। यानी यहाँ पे क्या है कि कोई भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो जितना उसका लिमिट है, जितना उसका दायरा है काम करने का, उससे ज्यादा काम करने लग जा रही है, यानी कि मतलब लीगल नहीं है, तो वहां पे उसको रोका जाता है कि आप अपने लिमिट में काम करोगे। तो कोर्ट जो ऑर्डर देती है, इसको हिंदी में निषेधाज्ञा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन। ठीक, इसके आगे जो है उत्प्रेषण, इसमें क्या है समझो। अब इस कंडीशन में क्या है कि जो मैटर उसके पास होता है निचली संस्था के पास, तो पूरा मैटर को ही उनसे ले लिया जाता है कि रहने दो, ये आपके बस की बात नहीं है।
उस मैटर को उनके पास से लेके किसी दूसरे को दे दिया जाता है। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि जो पुलिस वाले हैं वो छानबीन करते रहते हैं किसी चीज की, तो वो केस उनसे लेके सीबीआई को दे दिया जाता है। मुंबई वाले केस में याद करो, मुंबई वाला जो केस, जो मर्डर केस था, उसमें याद होगा कि मुंबई पुलिस जिस वो मर्डर की जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, छानबीन कर रही थी, तो कोर्ट गए थे, कोर्ट गए थे तो वहां पे इसी काम को गए थे कि जो मैटर मुंबई पुलिस उसको लेके सीबीआई को दे, उसको दे दिया जाए। तो वहां पे जो है ना, यही चीज मतलब सामने आया था कि मामले को लेके किसी दूसरे को दे दो। पॉइंट समझ गए? मैं एग्जांपल न्यूज का क्यों दे रहा हूं, ताकि ये आपने सुना है और देखा है। इसके आगे है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब इसमें ये हो जाता है कि आपको ये जानकारी है, आपको ये पता चला है कि किसी सरकारी संस्था में एक ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है जिसका अपॉइंटमेंट गलत है, यानी वो किसी फर्जी तरीके से वहां पे लग गया है, वहां का अधिकारी बना है और उसके पास ये सारी चीजें नहीं है, तो आप इसकी जानकारी कोर्ट में दे सकते हो। अब कोर्ट उनसे पूछेगा कि आप साबित करो कि आप जो इस नौकरी पे बैठे हो आप इसके लायक हो। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है। आपने सुना होगा नौकरी लगने के बाद डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। नौकरी पे आदमी चले जाते सरकारी नौकरी पे, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट की छानबीन होती है कि जो तुम्हारी डॉक्यूमेंट है ये कितना सही है और कितना गलत है। पॉइंट समझ गए यहाँ तक? तो ये सारी चीजें जो है आपके रीड्स के अंदर आ जाते हैं। तो अब जल्दी से माइक को ओपन करो और मुझे ओके बोलो, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। रीड का मतलब है, सिंपल सी बात समझो, रीड का मतलब है कि एक पर्सन हो गया, मान लो विक्की हो गया। विक्की जो है, विक्की के अधिकार जो संविधान के द्वारा मिले हुए हैं, तो विक्की ने जो है, अभी सरकार किसकी चल रही है, सृजन की सरकार चल रही है, गवर्नमेंट, पॉइंट समझ लो। तो विक्की ने जो है, सृजन की जो सरकार है, सृजन ने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं या कुछ ऐसा लेके आया है नियम, जिससे विक्की के अधिकारों की जो है रक्षा नहीं हो पा रही है, जो उनको अधिकार मिला हुआ है। तो अब विक्की क्या कर रहा है, सीधा चला गया कोर्ट, और कोर्ट में जाके अपनी बातों को बताया कि जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, ये सृजन की सरकार है, ये हमारे अधिकार को छीन रही है हमसे, इनके नियम से या जो भी तरीके से। तो कोर्ट ऑर्डर देगा सृजन की सरकार को कि आपको कोई हक नहीं है कि आप नागरिक के अधिकार को छीन सकते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को। तो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो ऑर्डर ही रीड कहलाता है, वही पिटीशन कहलाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मुंबई में, तो यहाँ पे क्या हुआ था, वहां पे यही तो हुआ कि एक मैटर को एक से लेके दूसरे को दिया। मुंबई पुलिस भी सरकारी है, सीबीआई भी सरकारी है, लेकिन संस्था तो अलग अलग है। तो यहाँ पे ये काम हुआ और वो लोग कहाँ गए थे, कोर्ट गए थे। इसी समझ लेते हैं। अब ये जो है ना क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आपको समझना पड़ेगा। संविधान में शोषण के विरुद्ध प्रावधान, यानी प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका शोषण है, तो उसके लिए मेंशन किया गया सारी बातों को। इसको मेंशन किया गया है अनुच्छेद, अनुच्छेद क्या है आपका, 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 में, संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में इन बातों को साफ साफ क्लियर किया गया है कि अगर इस तरीके के काम हैं, इस तरीके के काम हैं, तो ये आपका एक्सप्लॉयटेशन है, आपका शोषण है, और इसके खिलाफ जो है आप कोर्ट जा सकते हैं, आपको हक है। पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है, बेगार के विरुद्ध अधिकार। देखो बेगार का मतलब क्या है समझो, बेगार का मतलब हो जाता है कि आपने जो है कहीं काम किया है,
आप किसी के पास उसके काम करने के लिए गए, उसने बुलाया आपको कि काम करो, आपने काम किया, तो काम करने का मतलब है कि आपको अधिकार है कि आप अपने काम के बदले एक पैसा उनसे ले सके, उनसे मांग सके, कि या वो आपकी मजदूरी हो सकती है, और स्टैंडर्ड चलोगे तो कोई सैलरी बन जाती है, इससे ऊपर जाओगे तो रेम्यूनेशन बन जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आप काम कर रहे हो किसी के लिए या फिर वो आपकी फीस बन जाती है, तो किसी भी तरीके से जो आपका पैसा है आपकी मेहनत का वो आपको मिलना चाहिए, आपको लेने का अधिकार है। तो ये सारी बातें बताई गई है, बेगार के दूर अधिकार, ये राइट बनता है। पॉइंट क्लियर? यानी इसका मतलब है कि किसी ने तुमसे काम करा लिया और तुम्हें पैसा ना दे, तो आप उनको बोल सकते हो कि मुझे अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, आपने मुझसे काम करवाया है, अब मुझे पैसा नहीं दोगे, पैसा का मतलब मजदूरी सैलरी या कुछ भी हो सकता है, हम नहीं दोगे तो हमारे पास अधिकार है, हम कानून के पास जा सकते हैं, ये संविधान हमें हक देता है। पॉइंट क्लियर? दूसरा, इन्होंने एक बात और बता दिया है कि 14 साल, अगर 14 साल से बच्चे की उम्र कम है तो उसमें क्या है कि आप जो है उसको अपने घर पे नौकरी पे नहीं रख सकते हो, ना कोई कंपनी रख सकता है, ना कोई होटल हो गया, यानी कोई भी नहीं। जिसकी उम्र 14 साल से कम है तो उसे उससे काम नहीं करवाया जाएगा, वो बाल मजदूरी में बन जाता है, उसे चाइल्ड लेबर बोलते हैं। अगर ऐसा कहीं होता है आप देखते हैं तो उसके अगेंस्ट भी आप कोर्ट जा सकते हैं, यानी उसके उसका भी पुलिस कंप्लेन किया जा सकता है। ये सारी बातें बताई गई हैं, ये है भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति का मतलब होता है बैगिंग, यानी कि बैग, यानी भीख मांगना। भीख मांगना जो है वैसे अपने आप में क्या है कि ये गलत है, बातों को समझना। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी को आप विकलांग बना दो किसी भी तरीके से, आप उसको एक तरह से ऐसे बोलो कि अब तुम्हें भीख मांगना है, तुम्हें बैगिंग करनी है, तो ये वाला जो काम अगर तुम किसी से करवा रहे हो तो ये कार्य भी जो है पूरी तरीके से गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम देखते हैं मंदिरों में या मस्जिदों में देखते हैं, वहां पे भिखारी भीख मांग रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिमाग में एक बात बिठा लेनी चाहिए कि जो आप देखते हो कि कोई भीख मांग रहा है तो वहां पे क्या है, उनको अधिकार मिल जाता है कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप लाचार हैं, तो आप वहां पे परमिशन है कि आप मांग सकते हो। लेकिन किसी को भिखारी बना देना, उससे भीख मंगवाना, ये सारी चीजें क्या है, गलत है। पॉइंट क्लियर? चलो, मानव के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध। ये मानव का क्रय विक्रय का मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब हो जाता है कि इंसान को उसके अंग निकाल के बेच दिए, यानी किसी भी तरीके से, जैसे लड़कियों को बेच दिया जाता है और भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी कार्य जिसमें इंसानों का प्रयोग किया जाता हो उसको खरीद और बेचने के लिए, तो ऐसे काम जो है गैर कानूनी है। और ये भी जो है इसको भी कौन क्लियर कहता है, संविधान की अनुच्छेद 324 बात को बोलती है कि ये सारी चीजें क्या है, गलत है। और इसके लिए ऑलरेडी संविधान के अंदर जो है प्रोविजन यानी कि प्रावधान बनाया गया है, यानी ये कानून ये रास्ते निकाल के रख दिए गए हैं, अगर ऐसा कहीं दिखे तो इसके लिए कानून काम करेगा। इसको नोट कर लो, भारत के नागरिकों को प्राप्त 3 स्वतंत्रता का उल्लेख हो, यानी कि भारत के नागरिक है उनको 3 तरह की स्वतंत्रता है, यानी क्या उनको मिली हुई है। तो यानी कहने का मतलब है फंडामेंटल फ्रीडम की बात चल रही है, यानी फ्रीडम में कौन कौन सी चीजें उनको मिल जाएगी वो बात कर लेते हैं। देखो समझो यहाँ पे, तो बोलने का और अपनी बातों को रखने का अधिकार है, पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी आप अपना सभा कर सकते हो बिना किसी हथियार के इस्तेमाल के। आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार है। इसके बाद है भारत के सभी क्षेत्रों में आपको आने और जाने का अधिकार है, भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने और बसने का अधिकार है,
कोई भी व्यवसाय करने या व्यापार करने का अधिकार है जो कि गैर कानूनी ना हो। ये सारे अधिकार जो है बताए गए हैं, इसमें कंफ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? एक बार ओके बोलो, अब जितना समझाया इसको लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य क्यों कहते हैं? जरा इसको समझ लेते हैं। देखो, भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है इसकी बात करते हैं। तो भारत को धर्म निरपेक्ष का मतलब ये है, धर्म का मतलब आपका ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, निरपेक्ष का मतलब किसी को बढ़ के ना मानना, यानी सब बराबर है। तो भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में जो है कई तरह के धर्म हैं, लेकिन बात आ जाती है जितने भी धर्म हैं सब क्या है, अपनी जगह क्या है, वो सभी चीजें एक हैं। तो इसके लिए क्या माना जाता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य, किसी को भी ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, सबको बराबर नजरों से देखा जाएगा, सभी को अधिकार है अपने कर्तव्य को मानने का। इसके आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के कमजोर वर्गों को कौन से विशेष अधिकार दिए गए हैं? तो देखो, यानी समाज में जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग का मतलब हो जाता है कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा गरीब है, तो उनको लिए किस तरह के अधिकार दिए गए हैं, समझो। आपने सुना होगा पहले छुआछूत वाली चीजें चलती थी, छोटी जाति का छुआछूत, तो संविधान में छुआछूत को खत्म करने की कानून है कि छुआछूत जो है गैर कानूनी है, टचेबिलिटी। इसके बाद आ जाता है कि रिजर्वेशन भी दिया गया है, जो कमजोर लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन भी दिया गया है। तो इस तरह की क्या बात हो जाती है, किस रिजर्वेशन कहाँ है, वो नौकरियों में। हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन ये था कि जो सोसाइटी में लो लेवल पीपल है उसके लिए संविधान ने क्या किया है। तो संविधान ने उसके लिए ये किया है, सबसे पहला काम ये है कि जो टचेबिलिटी यानी जो छुआछूत वाली चीजें हैं उसको खत्म किया गया है। उसके बाद उनकी स्थिति को, उनकी इकोनॉमिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। जो आप कहते हो आप कभी आप गवर्नमेंट के फॉर्म भरोगे नौकरी हो के जॉब के, तो आपको पता चलेगा कि कितना रिजर्वेशन बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने से संबंधित मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? अब बात आ गई कि राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल यूनिटी को बनाए रखने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन से है, ऐसे कौन कौन से काम है जिसको करने से नेशनल यूनिटी बनी रहेगी, इसकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये बताया गया है कि जो संविधान के नियम है उसको हमें मानना है। साथ में जो है हमारा जो अपना फ्लैग है, झंडा है, जो हमारे राष्ट्रीय गान है, उसका सम्मान करना है। इसके बाद जो फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने आजादी दिलाई है, तो उनके आदर्शों को मानना है, उनकी बताई गई बातों को मानना है। इसके आगे है कि भारत जो है एक बना रहे, इसको कोई तोड़े ना, तो इसकी यूनिटी के लिए हमें काम करना है। ठीक, ये सारे जो काम बताए जा रहे हैं इससे ये मालूम चलता है कि भारत जो है वो पूरी तरीके से एकता को बढ़ावा देता है। बातों को समझो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटी जो बनाया गया है, जो मौलिक कर्तव्य बनाया गया है, इसका मेन मकसद है भारत को एक बना के रखना। और साथ ही आपको बता दें कि आप एनएस की तैयारी को लेकर परेशान हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, 10वीं 12वीं के हैं, ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप प्लीज़ हमसे जरूर कांटेक्ट कर ले, व्हाट्सएप करो अपना क्लास और सब्जेक्ट व्हाट्सएप कर लो, क्योंकि आप जानते हो कि एनएस में सब्जेक्ट की लंबी लिस्ट है, सबके अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से ग्रुप बनाने में बड़ी कठिनाई आती है, समझ रहे हो। और आप डेमो ले सकते हैं एडमिशन चार्ज पे करने के बाद, और हम आपको जो है चाहते हैं कि आप टेंशन फ्री पढ़ो, इसके लिए हम आपको 7 डेज का टाइम देते हैं, जिसमें आप आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है या किसी और रीज़न से अगर आप ड्रॉप करना चाहें तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, और हम आपकी फ़ीस भी रिटर्न कर देते हैं 7 डेज की फ़ीस कट करने के बाद, समझ रहे हो। आपको गूगल में टाइप करना है onlineclass.teachme.in, इसके बाद जो है इसे सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं पेज खुल रहा है, और देखो आप हमारे पास जो है पेज खुल के आ गया है, ये हमारे ट्यूशन सेंटर का नाम है विक्ट्री एजुकेशनल प्लानेट।
अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद जो है आप देख सकते हैं पिकागी नाम आ गया। जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था इस वीडियो को मैंने पब्लिक किया हुआ है आप लोगों के लिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं ये वीडियो आपके सामने आ गया है। ये क्या है, फुल वीडियो है। तो इस वीडियो पे आप क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ज्वाइन करना है हमसे, कनेक्ट होना है तो कनेक्ट होने के लिए भी आप कर सकते हो। वैसे तो आपको नंबर दिख रहा है, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या फिर आप चाहे तो यहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट जो है आप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, आज क्या क्वेरी है आपकी वो यहाँ पर डाल के फिर आपको सबमिट कर देना है। नीचे वीडियो देखने के बाद आपके समझ में आ गया है कि आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं और वो भी बेहतर तरीके से। तो टाइम बर्बाद मत करो, चाहे आपको जून में एग्ज़ाम देना है, चाहे आपको अक्टूबर 2021 में एग्ज़ाम देना है, 10th और 12th किसी भी क्लास के हो, आप हमें अपने सब्जेक्ट और अपना क्लास जरूर मेंशन करो ताकि मैं वक्त रहते आपके लिए ग्रुप बना सकूँ। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।